तुम्हारे लाइफ में कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, तुम खुद से नहीं झेल पा रहे हो, खुद से नहीं कह पा रहे हो, तो मुझसे कहो, मैं तुमसे बात करूंगा। क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया यहाँ तक पहुँचने से पहले। अपने माता पिता को भी कहूँगा कि ये वीडियो जरूरी थी बतानी, क्योंकि जो बच्चे फेस करते हैं उनको कोई पूछता नहीं है कि क्या फेस कर रहे हैं, वो बस अपने अंदर ही कुड़ते हैं। तो ये लड़कों के लिए था, ये पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो की पेज देखे क्योंकि उनको अच्छा लगेगा। भाई रात के 11 बज रहे हैं और मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। देखो ये वीडियो थोड़ा सा मैंने अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए बनाया है, और हो सकता है उस भड़ास से आप लोग को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। आंसर किया कि सीजल की कोई 230 पाया है, कोई 250 पाया है, कोई 300 पाया है, कोई 320 नंबर पाया, लेकिन कंप्यूटर में फेल है। ये स्पेशली वीडियो होने वाली लोंडो के लिए, सुधर जाओ। अभी मेरे को मज़ा आ रहा है, बढ़िया 11 बज रहा है, इंटरेस्ट से काम कर रहा हूँ मैं ऑफिस में, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उससे पहले कुछ झेला भी है मैंने, कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। लोंडो एक बात बता देता हूँ, 2023 में अगर नौकरी नहीं लगी तो नौकरी नहीं लगेगी, फिर से वही 3000-4000 वैकेंसी आ जाएगी और फिर तुम कहोगे कि सीट कम आ रही है, जबकि सीट का कोई लेना देना नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम से। पढ़ने के बाद सब कुछ सेटल है, जिसकी नौकरी लग जाती है उससे पूछो तो ये कहेगा कि मैं तो पढ़ता ही नहीं था, जिसकी नहीं लग रही है अगर यार इतना तो पढ़ता था, भले वो ना पढ़ता हो, खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बोल रहा हो कि हाँ मैंने पढ़ाई तो की है, लेकिन लैग कर रहे हो तुम कहीं ना कहीं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे वीडियोज़ को फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मैं कोई बहुत ज़्यादा ब्रह्म सत्य नहीं बोल रहा हूँ, कड़ू वचन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम डिस्ट्रैक्टेड आजकल यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं कि जिनको तुम सिर्फ देखने जाते हो, वो पूरे वीडियोस में क्या बोला है उन्होंने वो तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम वहाँ देखने गए हो सिर्फ यहाँ उन्होंने क्या बोला है। लोगों का चेहरा देख के, लोगों के फॉलोअर्स देख के फॉलो मत करो, ये टाइम तुम्हारा है, अगर ये टाइम चला गया कोई तुम्हें वापस नहीं करने आएगा, सब बिजनेस कर रहे हैं, ये तुम्हारा टाइम है, तुम सोचो कि कैसे जीना है, कैसे मुझे सिलेक्शन लेना है। 2022 वाले जितने रुक गए हैं बेचारे, भाई अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो और 2023 में कर लो, क्योंकि 2023 के बाद वैकेंसी नहीं आएगी, 2023 में जिसको नौकरी नहीं मिली उसको नौकरी कभी नहीं मिलेगी। सुनो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, कलम उठाओ हाथ में और कुछ भी मत पकड़ो हाथ में, सिर्फ पेन। अगर कोई ऐसे ख्यालात आ रहे हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, खुद को हर एक डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। रात में इंस्टाग्राम चलाते चलाते कहीं कुछ दिख गया तो तुम कहीं और पहुंच जाते हो। लोंडो तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ से बचो, बचो नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। एक लड़के के लाइफ में जब वो एक तैयारी के फेज में चल रहा है, जब वो बिल्कुल डिप्रेशन एंजाइटी को फेस कर रहा है, तो सिर्फ उसके पास एक ही दवा होती है, नींद की। उसको खाना बंद करो, निकलो वहाँ से भाई, सुबह उठ के शीशे में अपना चेहरा देखो और पूछो कि क्यों आए हो तुम यहाँ पे, क्या करने आए हो, यही करने आए हो जो कर रहे हो, या कुछ और भी एम है जीवन में, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बचो उस चीज़ से, तुम्हारे पास सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, उस चीज़ से दूर हटो, उसको अपने सक्सेस के आड़े मत आने दो भाई, झेल जाओगे बता रहा हूँ मैं। आखिरी मौका दे रहा है सरकार, आखिरी मौका दे रही है सीजीएल, निकाल लो, नौकरी पा लो, परिवार वालों के लिए सहारा बन जाओ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है कि तुम्हें कोई छोड़ के चला जाएगा, या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारे पास कोई आ जाएगा, नहीं, दुनिया मतलब ही है, समझो खुद को। जिस डिस्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, उससे बिल्कुल दूर हो जाओ, अभी भी 6 महीने के लिए मैं बता रहा हूँ, तुम निकाल लो एग्ज़ाम, और निकालना पड़ेगा तुमको भाई, निकालना पड़ेगा। मैं हूँ चेन्नई में, खुश हूँ जीवन से, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम लोग के लिए, कि कम से कम कुछ लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हैं, जब कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है सुन के कि चलो भाई कोई तो मोटिवेट हो रहा है। कुछ लोग फालतू कमेंट भी करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तैयारी के समय वो सारी चीज़ें फेस की जो तुम फेस कर रहे हो। इस चीज़ को टालना, प्रोकेस्टिनेशन, सबसे पहले उसको बंद करो, जो कर रहा हो तुरंत करो, और जो डिस्ट्रैक्शन की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ तक तुम समझ पा रहे हो, उस चीज़ से बिल्कुल भी दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो उस चीज़ से, कहीं काम नहीं आएगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की एकदम बैंड बजा देगा। सलाह सिर्फ दो लोग से लेना चाहिए जीवन में, यही मैंने अपनी तैयारी के टाइम में फेस किया और समझा है, या तो जो बिल्कुल गिवअप करके सब कुछ छोड़ चुका हो, या तो बिल्कुल सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल बंदा होगा वो तुमको बताएगा कि क्या करना है, और जो सब कुछ गिवअप करके सब छोड़ के बैठा हुआ है वो तुमको बताएगा कि क्या नहीं करना है। और तुमको तैयारी के समय पर सबसे पहले यही जानना है कि तुमको क्या नहीं करना है, तभी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। तैयारी ही नहीं, हर चीज़ में तुमको नहीं वाली चीज़ करके हटानी होगी, और जो करनी है उस चीज़ पर फोकस करना होगा। पजल्ड मत रहो, 75 चीज़ें मत पढ़ो। तुम लोग को मैं कितना समझाता हूँ, लेकिन तुम बार बार भाई वीडियो पे कमेंट करते हो कि कौन सी बुक फॉलो करें। अरे क्या बुक फॉलो करना है यार, 4-5 तो किताबें हैं कि नहीं चुनी, तुम बता नहीं क्यों परेशान हो।
माफी मांग रहा हूँ कि अगर मैं रूड हो रहा हूँ तो। मेरा भी कोई शौक नहीं है कि मैं 10 बजे थक के आऊँ, 11 बजे का काम करते करते तो फिर मैं तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है, तैयारी के समय मैंने झेला है, पैसे की कमी है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, किसी की गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, किसी के पापा नहीं मान रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। अरे भाई, नौकरी जाएगी तो भी नहीं करेंगे, समझे? खुद के लिए जियो, अपने लिए। 2023 अच्छा मौका है, अभी लगभग 70 से 80 दिन, 90 दिन बचे हुए हैं प्री का होने में, 2 महीने बाद मेंस भी हो जाएगा। करो तैयारी, तुम किसी को भी फॉलो करो, मुझे मतलब नहीं है, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। तुम सबको देखो मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन भाई मत टाइम वेस्ट करो, किसी का सुंदर चेहरा देख के उसके वीडियो पे मत जाओ, समझे? सुंदर चेहरा देखने के बाद तुम वीडियो देखोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या बुक फॉलो करने के लिए बोला गया है, तुम्हारा दिमाग कहीं और जाएगा, क्योंकि तुम डिप्रेस्ड हो। और ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती प्रेशर की है, सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर खुद का प्रेशर है, और उन सबका हल्का करने के लिए क्या है, एक ही काम है तुम्हारे पास, मत करो, भूल जाओ। सुबह उठ के रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, जल्दी सुबह सो के उठो, छोटा सा एक टारगेट जो मैं दूंगा उसको कंप्लीट करना डेली डेली, और करो प्लीज, ले लो इस पर नौकरी। माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचा होगा तो, लड़कों सुधर जाओ, अभी भी बता रहा हूं, तुम्हारा कोई नहीं है दुनिया में भाई, तुम खुद के हो, सब कोई तुम्हारा काटने पे लगा हुआ है, तुम ढीले पड़ोगे तुम्हारा कट जाएगा, मत ढीले पड़ो। और माफ़ी चाहूंगा अगर किसी को मेरी बातों से कोई भी ठेस पहुंची होगी, ये मेरे अंदर की भड़ास थी जो मैं निकाल दिया, और मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि यही फेस कर रहे हो तुम। तुम खुद ही सोचो कि अगर रात के 12 बजे तक तुम नहीं सो पाते हो, 3 बजे अचानक से कैसे सो जाते हो, सोते हो ना, तुमको भी पता है कैसे। रोज सुबह शीशे में देखो अपने आप को और बोलो कि आज मुझे क्या करना है, क्यों इस धरती पर आया हूं मैं, तब कुछ कर पाओगे। आंखों में अपने आंखों के शर्म में से मत गिरो, अपने आंखों में ही मत गिर जाना। एक समय आएगा कि तुम बिल्कुल हताश हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, लेकिन तुमको वहीं से उठना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और डाउन हो, कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट करके रखो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, जो चीज़ तुम सोचोगे, जो चीज़ तुम बार बार बोलोगे, वही चीज़ तुम्हारे साथ होगी, वही चीज़ तुम्हारे पास आएगी। तो मेरी बात मानो, करो तैयारी, मत फॉलो करो मुझे, लेकिन भाई करो। ये सब बातें तुम्हें कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा तुम्हें कि तुम किस चीज़ से झेल रहे हो, लेकिन भाई उस बहुत गंदी चीज़ से झेल रहे हो, उस चीज़ से बाहर निकलो। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये उससे बाहर नहीं निकलोगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मेरी बातों से किसी को भी ठेस पहुँची होगी भाई माफ़ कर देना, और मैं चाहूँगा कि तुम कमेंट करके मुझे बताओ कि किस टाइप का टारगेट तुम लोगों को चाहिए, छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट, वीकली टारगेट चाहिए, 3 दिन पे टारगेट चाहिए, 2 दिन पे टारगेट चाहिए, तुम लोग थोड़ा सा डिसाइड करके मुझे बताओ, जिसका ज़्यादा वोट रहेगा मैं उसी हिसाब से टारगेट्स बनाने का कोशिश करूँगा, सेट करके तुम्हें एक प्रॉपर टारगेट दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े और भी किसी डाउट के लिए, तुम्हारे लाइफ में कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम में चल रही है, तुम खुद से नहीं झेल पा रहे हो, खुद से नहीं कह पा रहे हो, तो मुझसे कहो, मैं तुमसे बात करूँगा, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया यहाँ तक पहुँचने से पहले, ठीक है? वहाँ तुम मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, और मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। बाकी फोड़ देना सीजल, इस बार मैं हूँ साथ, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मुझसे पूछो, जितना होगा मुझसे बताऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा मैं अपने सीनियर से बताऊंगा, मेरे कुछ टॉपर्स दोस्त हैं उनसे पूछ के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है? चलो, बहुत थक गया हूँ मैं, काम कर करके जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट।